देखिए इमरान के साथ क्या हुआ है, ये विशाल भरद्वाज, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, सब उन्होंने बड़ी बड़ी पिक्चरें की है, तो ही हैड ऑल द बिग बैनर्स। काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे जी कि फैजल खान सर को पूछना कि वेर इज इमरान खान, व्हाई इजंट ही डूइंग फिल्म्स, क्योंकि हाँ। उनकी जो दो फिल्में थी जिसमें वो गाना था पप्पू कांट डांस साला, हाँ हाँ, एंड उसके बाद में डेली बेली, जी जी, बहुत अच्छी फिल्म है, जाने तू या जाने ना, जाने जो पहले पिक्चर पप्पू कांट डांस साला, और डेली बेली में भी गाने और परफॉर्मेंस भी अच्छा था इमरान का डेली बेली में भी, और जाने तू जाने ना में भी उनको एक्सेप्ट किया गया था। देखिए इमरान के साथ क्या हुआ है, ये अक्सर ये जो एक्टर हैं ये मिस्टेक कर देते हैं मेरे हिसाब से, कि वो सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स ही करना चाहते हैं। मतलब इमरान खान ने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स उसके बाद भी किए, दिल्ली बेली के बाद भी, और उनके बड़े प्रोजेक्ट्स चले नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो विशाल भरद्वाज और करीना कपूर और दीपिका पादुकोण और सब उन्होंने बड़ी बड़ी पिक्चरें की है, और ब्रदर, मेरे ब्रदर की दुल्हन या सब बड़ी बड़ी फिल्में, कैटरीना कैफ भी थी, अब अनुष्का शर्मा थी ये विशाल भरद्वाज की फिल्म में, तो ही हैड ऑल द बिग बैनर्स, और फिर भी उनकी ऐसी लक हुई, लक ही बोलो या क्या बोलो, कि वो पिक्चर चली नहीं सब बड़ी बड़ी। तो जब बड़ी पिक्चर नहीं चलती एक्टर को एक फैसला लेना पड़ता है, और बड़े प्रोजेक्ट्स फिर बंद हो जाते हैं, क्योंकि नहीं चलेगी तो बड़े प्रोजेक्ट्स भी आपको नहीं लेंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स प्रोडक्शन हाउसेस भी नहीं लेंगे, तो एज एन एक्टर आपको फैसला करना पड़ता है कि मैं छोटी फिल्में करूं कि नहीं करूं, कि मुझे काम करना है कि नहीं करना है, और कभी कभी आर्टिस्ट का दिल भी टूट जाता है कि काम नहीं चल रही है यार, नहीं चल रही है। तो समवेयर आई फेस द सेम प्रॉब्लम दिग्विजय, जब मधोश और मेला नहीं चली देवर बिग प्रोडक्शन हाउसेज, और मेरे सामने भी ये चैलेंज हो गया था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मधोश भी फ्लॉप हो गई थी और बाद में मेला भी फ्लॉप हो गई, तो मैं सोच रहा था कि मैंने 6 महीना बहुत स्ट्रगल किया, लोगों के ऑफिस गया कि अच्छी प्रोजेक्ट्स मिले, एवरीवन वांट्स अ गुड बिग प्रोजेक्ट, व्हाई नॉट, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करें, तो काम नहीं करेंगे, तो मुझे फैसला लेना पड़ा। मैंने छोटी फिल्में की, बस्ती, काबू, बॉर्डर हिंदुस्तान का, चांद बुझ गया, दुश्मनी, ये सब छोटी पिक्चरें की मैंने, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एक्टिंग करूं और मेरा करियर आगे चले, खाली बिग प्रोडक्शन हाउसेस पे मैं ना डिपेंड करूं। तो वो चॉइस होती है एक्टर की, अब इमरान खान ने शायद वो चॉइस नहीं लिया, तो वो बड़े प्रोजेक्ट्स में ही घिर के रह गए, फिर बड़े प्रोडक्शन नहीं चली पिक्चर तो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी नहीं लेंगे आपको, तो फिर आप क्या करोगे। तो एज अ दैट डिसीजन वॉज हिज, मे बी ही डिडंट वॉन्ट टू डू स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, तो देन द बिग प्रोजेक्ट स्टॉप कमिंग, छोटे प्रोजेक्ट्स उनको करना नहीं है तो फिर काम कैसे मिलेगा। तो उनके साथ ये, अब वो उनको ही डिसाइड, जब भी वो उनको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अगर करना है तो छोटे प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है, या कैसे अपना करियर आगे बढ़ाना है। तो फिर मैंने सुना कि उन्होंने कुछ पिक्चर डायरेक्ट भी की थी, एक उनका एक शायद डायरेक्टोरियल शॉर्ट फिल्म थी शायद, और वो भी धर्मा के लिए ही किया था। तो एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज एन एक्टर, मैं कभी सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स पे मैंने डिपेंड नहीं किया है, आई लाइक टू कीप वर्किंग, मतलब कुछ ना कुछ काम चलता रहे, मार्केट में कुछ बात चलती रहे, टू बी इन द मार्केट, दैट इज़ माई अप्रोच। इसलिए मैंने नए डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, छोटे प्रोडक्शन हाउसेज में भी काम किया, और बड़े में भी अगर मौका मिलेगा तो करेंगे, ऐसा कुछ ये नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, रोल क्या है, सब देख के।